राजधानी दिल्ली में इन दिनों रामलीलाओं का दौर जारी है और रामलीलाएं भी भव्य और अनूठी। ऐसी ही एक अनोखी और अद्भुत रामलीला का मंचन पश्चिमी दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर 13 में किया जा रहा है, जिसके मंचन में सिर्फ बच्चों की ही विशेष भूमिका है, जिसके सभी पात्र राम से लेकर रावण तक बच्चे अदा करते हैं। तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया, तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। द्वारका सेक्टर 13 के DDA ग्राउंड में आयोजित होने वाली यह लीला बाल उत्सव रामलीला समिति की तरफ से आयोजित की जाती है। इस रामलीला में दिल्ली के लगभग 40 स्कूलों के बच्चे विभिन्न किरदारों का मंचन करते हैं। संपूर्ण बाल रामलीला समिति की अध्यक्षा प्रीतिमा खंडेलवाल एवं उनकी टीम ने इस बारे में अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। अध्यक्षा क्या हूँ, इस परिवार की मुखिया हूँ। जब मेरा परिवार है तो फिर रामलीला के बारे में मैं क्या ही कहूँ। मेरे परिवार में संस्कार आ जाए, लोग अपने आप प्यार से रहें, एक दूसरे के रिश्तों के महत्व को समझें, बस इसी कोशिश में हम लगे हैं। बचपन बचपन की तरह बिताएं, बड़े होकर भी बड़े की तरह अपनी गरिमा रखें, इसी बात को लेकर हमने ये रामलीला आरंभ की। आपको पता है कि ये रामलीला हमने सिर्फ 3 विद्यालयों से और 200 बच्चों से आरंभ कर दी थी, लेकिन आज ये रामलीला लगभग 46 इंस्टीट्यूट के साथ 4288 बच्चों के साथ इस मंच को सुशोभित करती है। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे बच्चे बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। आज तक हमने जहाँ की भी रामलीला देखी है वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता है, वो लोग कमर्शियल आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ की रामलीला में छोटे छोटे बच्चे अभिनय करते हैं। जो उनकी चेहरे की जो उनका एक्सप्रेशन होता है, उनकी भाव भंगिमा होती है, वो काफी उनसे अलग होता है और इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे हमने काफी जीवंत रूप में रामलीला देखी है। आज जब लोग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे हैं, उस समय ये एक बाल उत्सव रामलीला समिति किस तरह बच्चों में एक अध्यात्म, एक संस्कार, एक अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने का काम कर रही है, ये एक बहुत ही गर्व की बात है। ये रामलीला जो है एक बहुत हटके कॉन्सेप्ट है। श्रीमती प्रीतिमा जी ने जो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, मैं उनको कमेंट करना चाहूंगी कि इतना बड़ा बीड़ा उठाया है उन्होंने कि वो चाहती है कि आज जो नई जनरेशन हमारी आए उसके अंदर राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण इन जैसे गुण आए, सिर्फ एक कहानी बन के ना रह जाए बल्कि इनके गुण बच्चों के अंदर आए। तो ये एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन है, बहुत हटके रामलीला है। हर दिन नया राम, नया सीता, हर दिन दो दो तीन तीन स्कूल एक अध्याय प्रस्तुत करते हैं और इसी तरह रामलीला के अध्याय आगे बढ़ते हैं और दशहरा तक हम देख सकते हैं पूरी रामलीला बच्चों द्वारा की गई। ये बहुत ही खास इवेंट है हमारे सबके लिए, बाल उत्सव रामलीला समिति के लिए। एक बहुत गर्व की बात है कि हम 8वीं बार भी इस बाल उत्सव रामलीला के थ्रू संपूर्ण बाल रामलीला को ला सके द्वारका में, और हम इस बार और भी स्कूलों को जोड़ पाए। पिछले साल तक हमारे साथ लगभग 30-35 स्कूल थे, इस बार ऑलमोस्ट 40 स्कूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हर दिन लगभग 400 बच्चे इस स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जो कड़ी मेहनत करके यहाँ पे आते हैं। और हमें इस बात की भी बहुत खुशी है कि हम सारे बच्चों को रिफ्रेशमेंट्स दे पाते हैं। हमने ऐसे स्पॉन्सर्स ढूंढे हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, तो वो उनको रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको उनके लिए गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि बच्चों में एक बहुत अच्छा कल्चर डेवलप होता है। बच्चे इस बात को समझते हैं कि रामायण के अपने वैल्यूज हैं और उनको अपनी लाइफ में इंकल्केट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ की रामलीला का। बच्चों का ऐसा प्रदर्शन अपने आप में एक अलग अनुभूति महसूस करता है, और जो भी इस रामलीला को जिन्होंने भी स्पॉन्सर किया है, जिन्होंने भी इसको क्रियान्वित किया है, सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज अ डॉक्टर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये रामलीला तो 6 दिन 7 दिन 9 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस रामलीला से बच्चों को अभूतपूर्व फायदे होंगे। बच्चे टीम वर्क सीखेंगे, बच्चे अपनी संस्कृति को समझेंगे, और आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड, इनके
एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का अभिनय करते हैं। यहाँ पे बच्चे भगवान राम लक्ष्मण हनुमान का अभिनय कर रहे हैं, तो वो हमारी संस्कृति को समझेंगे और वो एक धरोहर के रूप में उनमें प्रिजर्व होगी, तो भविष्य में भी ये इनके करेक्टर में जुड़ेगी और उनको जीवन में आने वाले पड़ों में कभी दिक्कत आएगी, कभी परेशानी आएगी, तो मैं समझता हूँ ये राम और हनुमान जो हैं उनके अंदर विराजमान होंगे और उनका भविष्य में बहुत मदद करेंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और बच्चों की तरफ से जो एफर्ट है वो सराहनीय है। हमें बहुत ही गर्व होता है कि जब हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं और राम की रामलीला की प्रस्तुति देते हैं और करीबन 40 स्कूल 4000 बच्चों के साथ 10 दिन में जो प्रस्तुति होती है वो हम गर्व से बोलते हैं कि हम सनातनी हैं और साथ में हम बच्चों को सनातन के बारे में बता रहे हैं। धन्यवाद। बाल उत्सव रामलीला की शुरुआत 7 साल पहले की गई थी, तब बड़ी मुश्किल से महज 3 स्कूलों के करीब 100 बच्चों ने बाल रामलीला का मंचन 3 दिनों के लिए किया था। उस समय हजारों की संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे थे और आज यह रामलीला बेहद भव्य रूप ले चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।